Mm-hmm. गुड इवनिंग ऑल वेरी गुड इवनिंग यस आ गए सब लोग स्टार्ट करें सो वेरी गुड इवनिंग सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर फोर्टीन एंड हिपो सिग्नलिंग पार्क जो कल का लेक्चर है वो हम डिस्कस करें यस yes. हाँ कल क्लास नहीं हुआ था कल का कल का क्लास आज हो रहा है तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिसेप्टर्स एक तो हम डिस्कस करेंगे हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे की जो रोल इन कैंसर ये एंजियोजेनेसिस में इसका रोल है एज वेल एज मेटेस्टेसिस इसका रोल है सर्वाइवल तो ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे हम डिस्कस करें उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आइनोट्रॉप रिसेप्टर आयन चैनल्स एंड डेल्टा नॉच पाथवे कि डेल्टा नॉच पाथवे को भी हमें डिस्कस करना है सो स्टार्ट करें यस, आ गए सब लोग तो आइनोट्रॉपिन मतलब जो भी आयन चैनल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे आयन चैनल्स एंड डेल्टा नॉच पाथवे की जो जक्स्ट्राकर इंटरेक्शन है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे मैंने तो शुरू किया है। हेलो तो स्टार्ट करें यस सो हम डिस्कस कर हैं हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे एंड हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे एंड इट्स रोल सो स्टार्ट करें यस आ गए सब लोग मेरी आवाज आ रही है आपको एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का तो देखो सी uh, एस का नोटिफिकेशन आ चुका है जैसे मैंने आपको बोला एंड आपको तो पता ही है सबको लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो सी है सी ने सी का ट्वीट आया हुआ है मतलब उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन ट्वीट है उनका कि जो दिसंबर 2022 ट्वेंटी सी का यूजीसी नेट एग्जाम है विल बी कंबाइंड विथ जून 2023 एग्जाम मतलब दोनों एग्जाम एक ही होगा एंड ये डिसंबर 2022 एंड जून 2023 एग्जाम एंड इट इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मे जून 2023 मतलब मे और जून सबको ऐसा लग ही रहा था कि क्या एक एग्जाम जो है वो मे जून में ही होगा क्या तो यस ऐसा तो मतलब लग रहा है अभी कि सी के ट्वीट से कि वो एग्जाम मे और जून में ही होगा एंड वो एन टी ए कंडक्ट करवाएगा सी एस आई एन टी एंड करवाएगा ओके तो याद रखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको प्रिपरेशन करने के लिए ओके प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तो स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन देखो क्लासरूम कोचिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है पुणे जोधपुर में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके आप भी ज्वाइन हो जाना क्योंकि क्लासरूम कोचिंग की जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अभी तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है आपको भी पता है अभी कितना टाइम बाकी है फेब्रुवरी मार्च अप्रैल और मे चार मंथ बाकी है चार मंथ में पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट जो हिप्पो सिग्नलिंग पाथ है तो डायरेक्टली हम पाथवे डिस्कस करते हैं ये जो हिप्पो सिग्नलिंग पाथ है इस हिप्पो सिग्नलिंग पाथ में मेजर जो रोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम कैंसर में भी डिस्कस करते हैं कि जो हिप्पो सिग्नलिंग पाथ इसका जो फंक्शन है सो देर इज द फंक्शन इसे हिप्पो पाथवे भी बोलते हैं ज ऑल्सो कॉल्ड एज हिप्पो या पाथवे एंड इस पाथवे में मेजरली एक्टिवेशन ऑफ सो फंक्शंस तो जो फंक्शन है हिप्पो सिग्नलिंग पाथ के हिप्पो सिग्नलिंग पाथ इट प्ले मेजर रोल इन द सो इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ये जीन्स एक्सप्रेशन में काम करता है हिप्पो सिग्नलिंग पाथ में एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में मेजर रोल होता है दैट इज रोल ऑफ द सेल प्रोलिफ्रेशन रेगुलेशन की सेल प्रोलिफरेशन सेल सर्वाइवल कि सेल सर्वाइवल स्टिम्युलेट होता है एंड उसके साथ साथ यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि देर इज द माइग्रेशन ऑफ सेल्स तो ये कैंसर सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाथवे कि माइग्रेशन ऑफ सेल्स में माइग्रेशन ऑफ सेल्स मतलब क्या माइग्रेशन ऑफ सेल्स मतलब मेटेस्टाइसिस कि ये मेटेस्टाइसिस में भी मेजर रोल प्ले करता है एंड ज द एंजियोजेनेसिस सो एंजियोजेनिस को भी रेगुलेट करता है तो so, कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे सो कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी करेंगे क्योंकि इस बार जो पूछा गया था वो कैंसर के लिए ही पूछा गया था कि कैंसर में हिपो सिग्नलिंग पाथवे का क्या रोल है सो दिस इज इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर कैंसर सेल्स कैंसर सेल्स के जो है, ये वो इम्पोर्टेंट पाथवे ओके मेजरली अगर हम ये देखते हैं कि आ, ये जो है कि हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे या हिप्पो या टैच पाथवे जो है इसका रोल क्या है वॉट इज द रोल ऑफ हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे तो देखो हिप्पो सिग्नलिंग काम कैसे करती है तो ये हम डिस्कस करते हैं सो so, जब हिप्पो सिग्नल अभी ये दो चीजें मैं बता रहा हूं यहां कि पाथवे जब इनएक्टिव रहेगा और पाथवे जब एक्टिव रहेगा दो, दोनों तरफ से बात करेंगे कि पाथवे का इनएक्टिवेशन एंड पाथवे का एक्टिवेशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट जब भी कभी हिप्पो होता है सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड ये साइटोसोल तो है ये साइटोसोल तो है अभी यहां पे हिप्पो ये है हिप्पो ओके मेजरली अगर हम ये देखें कि जो हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में यहां पे हिप्पो होता है मे बी ऐसा भी बोलते हैं कि वो कैड्रिंस के साथ एसोसिएटेड होता है कि जो हैं, एंड हिप्पो सिग्नलिंग ये हिप्पो सिग्नलिंग पाथ में हम ये बोलते हैं कि देर इज द एक्टिवेशन और इन एक्टिवेशन सपोज इफ देर इज द देर इज द नो हिप्पो सिग्नलिंग तो देर इज द हिप्पो इन अगर हिप्पो एक्टिव नहीं हुआ वो इनएक्टिव है अगर हिप्पो इनएक्टिव रहता है तो होता क्या है कि जो साइटोप्लाजम है साइटोसो साइटोसोल में देर इज द इनिबिशन ऑफ एम एमएसटी वन और टू तो ये एम एमएसटी वन टी टू एक प्रोटीन होता है एंड यहां पे सेव एक प्रोटीन होता है सेव वन एंड ये दोनों भी इनएक्टिव रहते हैं तो ये काइनेजेस है और ये काइनेजेस इनएक्टिव रहते हैं, वन एम एस टी टू एंड सेव वन ये काइनेजेस इनिबिट रहते हैं। दूसरा साइटोसोल में LATS1 वन एंड लेट्स टू दे आर ऑल्सो इनिबिटेड कि साइटोसोल में ही LATS1 वन और टू LATS काइनेजेस है ये भी इनिबिट रहते हैं तो LATS एंड ये जो है दिस इज द इनके साथ बाउंड रहता है मॉब वन तो लेट्स वन एंड मॉब वन ये भी इनिबिट रहते क्यों क्योंकि लेट्स वन को एक्टिवेशन आता है एमएसटी वन एमएसटी एस टू से तो ये भी इनएक्टिव है एंड ये भी इनएक्टिव है अभी ये दोनों भी इनएक्टिव रहते हैं जब तक हिप्पो सिग्नल एक्टिव नहीं है एंड इसलिए होता क्या है कि न्यूक्लियस में क्योंकि ये इनएक्टिव रहेंगे तो ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में रहता है याप सॉरी यहां पे या पे एंड याप इन द साइटोसोल तो याप जो साइटोसोल में रहता है याप साइटोसोल में एक्टिव रहता है एंड याप साइटोसोल से क्या होता है इट माइग्रेट टू द न्यूक्लियस ये आप माइग्रेट करता है न्यूक्लियस में एंड न्यूक्लियस में जाके आप क्या करता है ये आप न्यूक्लियस में जाता है एंड न्यूक्लियस में जाके आप इट बाइंड टू द वन तो यहां पे टेड वन को बाइंड होता है तो यहां पे कुछ प्रोटीन से टेड प्रोटीन टू फोर हम बोलते so, वन इसको जाके याप आके बाइंड होता है याप एंड टेड फोर का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहां पर टारगेट जीन एक्सप्रेस होती है सो हियर देर इज द याप और टैच इसे याप भी बोलते हैं या इसे टैच भी बोलते हैं मैं यहाँ पे याप और टैज लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो याप और टैच और ये हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पात हुए देखते हैं तो वहां पर याप, याप बोलते हैं तो याप एंड टैच तो ये याप एंड टैच जो इस बार भी पात आया था तो ये यहाँ पे आके टेड वन को टेड वन टू फोर को बाइंड होते हैं और टारगेट जीन एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पे सेल सर्वाइवल होता है एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस मतलब सेल ग्रोथ एंड तो ये सारे फंक्शंस जो है वो किए जाते मतलब क्या अगर सेल्स में ये आप पाथवे एक्टिवेट नहीं हुआ हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट नहीं हुआ तो हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे तो अगर नहीं चला तो हिप्पो सिग्नलिंग से क्या होगा हिप्पो इनएक्टिव रहेगा हिप्पो इनएक्टिव हुआ तो MST1, MST2 7, ये वन इनएक्टिव होंगे तो एंड ये भी होंगे। अगर MST1, 2, वन टू रहेंगे, तो यहाँ पे साइटोसोल में लैट्स वन, लैट्स भी रहते अगर एमएसटी वन एमएसटी टू इनिबिट रहे तो और टे एक्टिव होगा वो न्यूक्लियस में माइग्रेट करेगा एंड न्यूक्लियस में जाके ये टेड वन टू फोर को बाइंड होगा एंड टेड वन टेड फोर को बाइंड हुआ तो यहाँ पे देर इज द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स की जो सेल प्रोलिप्रेशन, एंजियोजेनेसिस सर्वाइवल के जीन्स है वो सारे एक्टिवेट होंगे अभी सपोज अगर हिप्पो सिग्नलिंग एक्टिव हुआ तो हिप्पो सिग्नल एक्टिवेशन अगर हिप्पो सिग्नल एक्टिवेशन होता है तो हिप्पो सिग्नल एक्टिवेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा हिप्पो सिग्नलिंग की वजह से इज द एक्टिवेशन ऑफ अभी यहाँ पे बहुत सारे मतलब रोल होते हैं कि हिप्पो सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए रोल प्ले करते हैं जैसे कैड्रिन कैड्रिन में बोल रहा हूं कि कैडरिन जो है वो ये भी इंट्रैक्शन यहां पे एक्टिवेशन करने में हेल्प करती है हिप्पो सिग्नलिंग को एंड हिप्पो सिग्नल एक्टिवेट होने के बाद हिप्पो सिग्नलिंग से यहां को फॉस्फोरिलेशन किया जाता है तो एमएसटी वन टू इसका फॉस्फोरिलेशन होगा 7, का होगा। तो ये होंगे। जैसे वो फॉस्टोलेट होते हैं एमएसटी वन टू से गेट एक्टिवेटेड तो यहां पे एक्टिवेशन होगा एमएसटी वन टू एंड सैव वन जैसे एमएसटी वन सेवन क्या एक्टिवेट होगा भी वन सेवन वन क्या करेंगे एक्टिवेशन तो होगा लेट्स वन टू एंड लेट्स वन टू एंड इसके साथ मॉब वन तो इसका एक्टिवेशन होगा तो इसका भी फॉर्स होगा एंड इसका फॉसपोलेशन होकर ये भी एक्टिव हो जाएंगे नाउ अभी सिचुएशन ऐसे आई कि साइटोसोल में ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है अगर लेट्स वन लैट्स एक्टिवेट होते हैं तो लेट्स वन लेट्स टू क्या करते हैं ये याप का फॉसपोरलेन करते हैं तो जो भी याप है साइटोसोल में याप और ये साइटोसोल में इसका फॉसपोरलेन होगा और इसका फॉसपोरलेशन हुआ तो इसका फॉस्पोरलेन होगा लेट्स वन लेट्स टू से जैसे ये फॉस्पोरलेट होंगे ये होंगे तो ये जाएंगे न्यूक्लियस में ये डिग्रेड हो जाएंगे तो इनका फॉसपोरलेन होने के बाद इसको प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री बाइंड करता है तो यहां पे, प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री तो प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री आता है और इसको आके बाइंड करता है एंड प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री यहां पर आके बाइंड होगा तो यहाँ पे तो प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री बाइंड हुआ एंड प्रोटीन फोर्टीन थ्री थ्री से आगे जाके डिग्रेड हो जाएगा मतलब उसका साइटोप्लाज्म में डिग्रेडेशन किया जाता है तो आपका डिग्रेडेशन जब या पैज डिग्रेडेशन होता है ओके या पैस अगर डिग्रेड होगा तो सिंपली न्यूक्लियस में क्योंकि आप न्यूक्लियस में जा ही नहीं पाएगा अगर न्यूक्लियस में जा ही नहीं पाता है तो वहां पे सिग्नलिंग मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हियर देर इज द टेड फोर अकेला ही बाइंड रहेगा सो टेड so, अकेला ही बाइंड रहेगा एंड टेड वन फोर अगर अकेला बाइंड रहेगा तो so, यहां पे देर इज नो जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो so, हो गया मतलब यहां पे फाइनली जाके हिप्पो सिग्नलिंग से यहां तो अगर हिप्पो इनएक्टिव रहा तो सेल प्रोलिप्रेशन करती है सेल ग्रोथ होता है एंजियोजेनेसिस होती है बट हिप्पो सिग्नल नहीं रहा तो सेल प्रोलिप्रेशन नहीं होता है तो ये है टोटल कंप्लीट पाथवे इसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि एक पाथवे पूछा जाता है हर एग्जाम में देन नेक्स्ट ये समझ में आया पाथवे तो याद रखना ये पाथवे फोर मार्क्स के लिए आया है इस बार आप क्वेश्चन देख सकते हो तो हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में यहां पे बस इतना याद रखना है कि जब भी सिग्नलिंग होगी तो सिग्नलिंग में अगर हिप्पो ऑप्सेंट है हिप्पो सिग्नल, तो सिग्नल एक्टिवेट नहीं है तो हिप्पो सिग्नल एक्टिवेट नहीं हो तो एम एस टी वन एम सैव वन इनिबिट रहेंगे साइटोसोल में वन काइनेज रहेंगे आप एक्टिव रहेगा और में जाएगा। जैसे में जाता है बाइंड होता है जीन एक्सप्रेशन करता है तो यह है नाउ दूसरा अभी हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे में हम ये भी बोलते हैं कि अगर मतलब सिग्नल अब्सेंट है तो लेट्स वन लेट्स टू इनएक्टिव रहेगा लेट्स वन लेट्स टू एक्टिव रहेगा तो या पैन टैस एक्टिव रहेगा वो न्यूक्लियस में जाएगा और जीन एक्सप्रेस करेगा अगर सिग्नल प्रेजेंट है तो एम एस टी वन एम एस टी टू का फॉर्सोलेन होगा एंड लेट्स वन लेट्स टू से फॉसपोलेशन से फिर या पैन टैच का फॉसपोलेशन किया जाएगा लेट्स वन लेट्स क्या करता है या फॉसपोलेशन करता है या पॉ टैच का और उसको डिग्रेड कर देता है और याप और टैच डिग्रेड हो जाएंगे तो या न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा जीन एक्सप्रेशन नहीं होंगे सो दिस इज द कॉल्ड एज द हिपो सिग्नलिंग पाथवे ओके तो ये मेजर रोल प्ले करता है कैंसर सेल्स में दूसरा देखो जनरल एप्टीट्यूड की जो बुक है सी के लिए ये आ चुकी है फाइव फिफ्टी रुपीज इसकी प्राइस है आप इसको ऑर्डर कर सकते हो तो ये जनरल एप्टीट्यूड का बुक है क्लासरूम कोचिंग जैसे मैंने आपको बोला पुणे में और जोधपुर में स्टार्ट हो चुके हैं आज से स्टूडेंट बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं क्लासरूम कोचिंग में तो आप या आपके फ्रेंड्स को आप बता सकते हो कि क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है आईएफएस का जो बुक कार्निवल है टेन परसेंट थर्टी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है आप अभी भी इस मतलब ऑफर का लाभ ले सकते हो बुक कार्निवल स्टार्ट हो चुका है तो आप इंडिविजुअल बुक ले सकते हो कॉम्बो बुक्स ले सकते हो एज वेल एज कंप्लीट बुक सेट्स भी ले सकते हो देन उसके बाद है आइनो Inotropins, ये ऐसे रिसेप्टर से जो आयंस चैनल ओपन होते तो दिस इज आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर ये आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर से और आइनोटॉपिक रिसेप्टर्स में यहां पे दीज आर कॉल्ड इज रिसेप्टर आयन चैनल्स रिसेप्टर आयन चैनल्स नाउ सी ये जो रिसेप्टर आयन चैनल्स है ये रिसेप्टर आयन चैनल्स कैसे काम करते हैं तो ये तो आपको पता है कि दीज आयन चैनल्स आर गेटेड आयन चैनल्स तो ये सारे लिगैंड आयन चैनल है तो आप मुझे एग्जाम्पल बताओ कौन से कौन से ऐसे चैनल्स है कि जो आपको पता है कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं यस कौन से कौन से एग्जाम्पल है कि जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं तो गेटेड आयन चैनल्स में एक तो है फर्स्ट तो लीग गेटेड आयन चैनल कौन से कौन से आयन चैनल से यस yes. तो एक तो है यहां पे जब लीग एंड होता है तो वेन देर इज द लिगेंड एंड अपसेंट तो आयन चैनल्स क्लोज रहते करेक्ट अगर लिगेंड एंड अपसेंट है तो so ये आयन चैनल्स क्लोज रहते तो लिगेंड अपसेंट होते तब ये आयन चैनल्स कैसे रहते क्लोज रहते ओके दूसरा देर इज द अरे कल का लेक्चर शुरू है सुनीता ये कल का लेक्चर है कल लेक्चर ही नहीं हुआ था उसके बाद देर इज द सम आयन चैनल्स चलो जल्दी से पता हो कौन से कौन से आयन चैनल्स आपको पता है यस yes, बहुत सारे तो हमने डिस्कस किए क्लास में तो ये जो आयन चैनल्स है देखो एक तो होता है ग्लूटामेट ग्लूटामेट कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है आपको पता है कल ही तो डिस्कस किया है एसेटिल कोलिन एस्पाटेट कल ही तो क्वेश्चन आया था ये वेस्ट बंगाल सेट में यस yes. तो ये जो ग्लूटामेट है एसेटिल कोलिन है या एस्पार्टेट हम बोलते हैं मोस्टली दे एक्टिवेट फर्स्ट द रिसेप्टर ऑफ एनए प्लस करेक्ट तो ये Na ए प्लस को एक्टिवेट करते और Na ए का इनफ्लक्स होता है तो ग्लूटामेट एसपार्टमेट हमने देखा ना कल एक्साइटेटरी न्यूरो है तो एक्साइटेटरी न्यूरो है तो दिस इज यहाँ पे क्या होगा डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होगा दूसरा देर इज द क्लोराइड आयन चैनल क्लोराइड आयन चैनल एंड सपोज क्लोराइड आयन चैनल किससे एक्टिवेट होता है क्लोराइड आयन चैनल किससे एक्टिवेट होता है यस क्लोराइड आयन चैनल तो क्लोराइड आयन चैनल दैट इज एक्टिवेटेड बाय कल ही डिस्कस किया है हमने ऐसे कैसे आप भूल सकते हो ग्लाइसिन और ग्याबा तो ग्यामा आमाइनोब्यूटेरिक एसिड और ये एक्टिवेट क्या करते हैं तो निगेटिव मतलब क्लोराइड तो क्लोराइड आएगा मतलब क्या होगा हाइपर पोलराइजेशन मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होगा तो ये हो गया आयन चैनल्स तो आयन चैनल्स मतलब लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स का मतलब क्या है कि जब लिगैंड बाइंड होगा तब वहां पे रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा तो लिगैंड बाइंड होने के बाद अगर आयन चैनल्स एक्टिवेट होते डायरेक्टली आयंस पास होते तो यहां पे बहुत सारे आयंस पास किए जाते लिगैंड बाइंड होने के बाद चाहे वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो चाहे वो हम बोलते कि

वेस्ट बंगाल सेट में दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा था एक्साइट्री एंड न्यूरोस्ट्रासेर साइड इंट्रा साइड एंड नेक्स्ट तो ये समझ में आपको ये हुआ आयन चैनल्स, आइनोट्रॉपिस एंड ये आइनोट्रॉपिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ओके okay. उसके बाद होता है हमारा डेल्टा नॉच पाथवे सो so, डेल्टा नॉच रिसेप्टर एंड ये सबसे सिंपल रिसेप्टर है ये तो हमने डिस्कस किया है कौन से टाइप का इंट्रेक्शन है यस yes. डेल्टा नॉच हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में ये जक्स्ट्राक्राइन प्राकरण इंटरेक्शन है ये डायरेक्ट सेल सेल इंट्रेक्शन है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन में हमने डेल्टा नॉच डिस्कस किया है यस yes. तो डेल्टा नॉच जो है यहां पे सिग्नल सिग्नल क्या होता है तो सिग्नल है डेल्टा एंड डेल्टा जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है डेल्टा है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर रिसेप्टर क्या है नॉच एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब सरफेस सो डेल्टा नॉच रिसेप्टर की जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सरफेस के ऊपर होते हैं एंड ये डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है डेल्टा नॉच तो ये फंक्शंस क्या है इस पाथवे के डेल्टा नॉच पाते आप कहां पे पढ़ते हो आपको पता है क्या वॉट इज फंक्शन कहाँ पे पढ़ते हो आप डेल्टा नॉच तो डेल्टा नॉच पाते आप पढ़ते हो एक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सी लेगान सी लेगानस के अर्ली डेवलपमेंट में आप पढ़ते हो करेक्ट कहाँ पे पढ़ा आपने तो वलवा फॉर्मेशन वलवा फॉर्मेशन में आप डिस्कस करते हो और कहां पे डिस्कस करते हो एपी टू सेल फॉर्मेशन वह आप हम डेल्टा नॉच पाथवे डिस्कस करते हैं देन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीअर्चिन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीअर्चिन में यह मेजर रोल प्ले करता है कहां पे यह मेजर रोल प्ले करता है नॉन स्केल्टोजेनिक फेट फॉर्मेशन सो नॉन स्केल्टोजेनिक फेट फॉर्मेशन में ये काम करता है सो नॉन स्केल्टोजेनिक फेट फॉर्मेशन तो डेल्टानॉच बहुत जगह पे काम करता है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन का टाइप है एंड इसलिए डायरेक्ट सेल सेल इंट्रेक्शन में हम डेल्टानॉच का एग्जांपल देखते हैं यह समझ में आए येस एंड उसके बाद या तक समझा आपको डेल्टा नॉच जो है वो जक्स्ट्रा क्राइन इंटरेक्शन है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन है नाउ एंड अर्ली डेवलपमेंट में काम करता है डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन बहुत कम जगह पे होता है वैसे वो उसके बाद है अब ये सिग्नलिंग होता कैसे तो देखो क्लासरूम कोचिंग आज से स्टार्ट हो चुके है फिफ्टीन पर फिफ्टीन परसेंट ऑफ है जो भी स्टूडेंट क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते वो ज्वाइन कर सकते देन तो जो डेल्टा नॉर्थ सिग्नलिंग है डेल्टा नॉर्थ सिग्नलिंग कैसे होती है यहां तक समझा अभी देखो हम डायरेक्टली सेल्स के ऊपर डिस्कस करें सपोज ये एक सेल है ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दूसरी सेल है सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज प्लाज्मा दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी तो सेल ए एंड सेल बी के प्लाज्मा में अभी देखो मेजरली अगर हम ये देखेंगे कि जो भी दो सेल्स है इसमें से पहली सेल होती है वो डेल्टा एक्सप्रेस करते हैं ये डेल्टा है, ओके? ये डेल्टा है। विशेष अभी बाकी है अभी हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो लाइव होगा अभी होगा लाइव होगा सबके सामने होगा तो सब लोग एंजॉय करना उस बर्थडे सेलिब्रेशन को कि जो लाइव होने वाला है और हम सब लोग इसको एंजॉय करेंगे यस तो अभी होगा बर्थडे सेलिब्रेशन डेल्टा नॉच पाथवे के बाद में और हम सब लोग उसको एंजॉय करेंगे तो ये नॉच रिसेप्टर है सो so, देखो डेल्टा एंड नॉच ये इस तरह से होता है डेल्टा नॉच इंट्रेक्शन जक्स्ट्राक्राइन इंट्रेक्शन है तो देखो आपको इस तरह से समझ समझ में आएगा जक्स्ट्रा जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है एंड ये जो जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है यस यस तो लाइव सेलिब्रेशन होंगे मस्त सेलिब्रेशन करेंगे एंजॉय करेंगे यस yes. तो so, ये देखो ये नॉट है Now, हाँ केक देंगे ना आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे पीओ सबको देंगे केक केक तो सबके लिए लाया है ना तो यहां एक ग्यामा सिक्रिटेज होता है एक एंजाइम होता है यहां पे ग्यामा सिक्रिटेज ग्यामा सिक्रिटेज ओके okay? अभी ये जो ग्यामा सिक्रिटेज तो होता क्या है देखो डेल्टा नॉच जैसे इंटरेक्ट करता है तो डेल्टा नॉच इंटरेक्शन करेगा तो यहां पे क्लीवेज होता है नॉच रिसेप्टर का एंड नॉच रिसेप्टर का एक इंट्रासेलुलर डोमेन दिस इज नॉट इंट्रा सेलर डोमेन ये रिलीज हो जाता है ये क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है सो अरे जसप्रीत ये कल वाला लेक्चर चल रहा है भैया आके खोलो जागो ग्राहक जागो आपकी गलत फहमी ये लिए कि हमने कुछ प्राइवेट किया है यही तो लेक्चर है जागो ग्राहक जागो उठो नोटिफिकेशन भी आ गया सी का <laughs> भैया यही तो लेक्चर है वो लेक्चर तो देखो क्या चल रहा है हम इतने भी बुरे नहीं है <laughs> नॉच इंट्रासेलर डोमेन अब यह देखो कि नॉच का इंट्रासेलर डोमेन रिलीज हुआ एंड यह रिलीज होने के बाद यह आता है डीएनए में डायरेक्ट <laughs> बोलना शुरू विशाल सर देखिये तो विशाल सर को डायरेक्टली कंप्लेंट डायरेक्टली डायरेक्ट मतलब छोड़ना ही नहीं है <laughs> सामने होते तो क्या करते पता नहीं अभी तो ऑनलाइन है है, है, है बचा हुआ <laughs> सामने होते तो क्या करते भाई साहब अभी तो फिर <laughs> सामान लेके भागो देखो जागो ग्राहक जागो <laughs> यहां पे एक होता है सीएसएल प्रोटीन और सीएसएल प्रोटीन को बाइंड होता है नॉच का इंट्रासेलर डोमेन जो प्रेजेंट है सो दिस इज नॉच इंट्रासेर डोमेन एंड नॉच इंट्रासेलर डोमेन जैसे सीएसएल को बाइंड होता है यहां पे टारगेट जीन एक्सप्रेस होते हैं तो जो अर्ली डेवलपमेंट के जो जीन है जो मैंने आपको बोले वो एक्सप्रेस होते हैं तो ये हो गया हमारा डेल्टा नॉच पाथवे बस इतना तो याद रखना है मतलब डेल्टा नॉच को बाइंड हुआ तो नॉच एक्टिवेट हुआ ने ग किया नॉच का इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डोमेन एंड नॉच का डोमेन क्ल्यू हुआ तो नॉच का डोमेन गया न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जाके उसने बाइंड किया सीएसएल प्रोटीन को और सीएसएल प्रोटीन को बाइंड करने के बाद यहां पे जीन एक्सप्रेशन होता है तो ये हुआ जीन एक्सप्रेशन तो दिस इज द मेजर रोल कि हम बोलते हैं डेल्टा नॉच पाथवे कि डेल्टा नॉच पाथवे में डायरेक्ट सेल, सेल दे, देखो कितना स्वीट, कितना सिंपल, कितना स्वीट सिंपल अच्छा पाथवे कुछ भी नहीं बाहर डेल्टा नॉच इंट्रेक्शन हुआ इंट्रासर साइड में ग्यामा सिक्रिटीज एक्टिवेट हुआ ग्यामा सिक्रिटीज ने नॉच को इंट्रासर डोमेन को क्लीव किया और यहां पे क्लीवेज हुआ तो नॉच का इंट्रासर डोमेन फ्री हो गया और फ्री फ्री होने के बाद वो न्यूक्लियस में गया और सी एस एल को बाइंड हुआ और जीन एक्सप्रेशन हुआ तो हो गया हमारा डेल्टा नॉच पाथवे कंप्लीट और अभी हम करेंगे सेलिब्रेशन सर के बर्थडे का यस तो हम सब लोग मिलकर एंजॉय करेंगे केक खाएंगे यस ये समझ में आया तो आज हमने हिप्पो सिग्नलिंग पाथ पढ़ा आइनो पढ़े पढ़ा तो देखो कल ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था देखा कितना इंपॉर्टेंट है आप देखो कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे इसमें से तो आए थे और किसमें से आएंगे यस हैप्पी बर्थडे शायद हैप्पी बर्थडे आपका भी बर्थडे आज सो स्टार्ट करें यस सेलिब्रेशन स्टार्ट करें Are you ready? Yes. कितना अच्छा रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह कितना इंटेलिजेंट रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह कितना स्मार्ट रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह कितना ब्यूटीफुल रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह देखो देखो तो सही कितना अच्छा रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह कितना हार्ड वर्किंग रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह वो भी आज ऑनलाइन है आप भी आज ऑनलाइन हो हा? कितना मस्त रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह लेट्स बिगिन द ग्रैंड सेलिब्रेशन यस कितना टैलेंटेड रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह यस सो स्टार्ट करें इतनी तारीफ तारीफ पे तारीफ कितना अच्छा रिसेप्टर है आप सब लोगों की तरह देखो कितना शांत सदगुनी और क्या <laughs> और क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है। रिसेप्टर है आप लोगों की तरह आप बाकी मतलब यस <laughs> yes. So, आप लोग तब लोग सर को विश करते रहो और हम है ना दूसरे लिंक पे मिलते सर का जो लिंक है वो स्टार्ट कर देंगे और वहां पे आप सब लोग ज्वाइन हो जाना ओके okay? तो स्टार्ट करें ये हुआ हमारा आज का से, मतलब कंप्लीट हुआ सेशन आज के सेशन में हमने सारे रिसेप्टर देखे नॉच सी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग उसके साथ साथ आइनोट्रोपिस्ट एंड हिपको सिग्नलिंग डिस्कस की यस yes. झूठी <laughs> नहीं है सच्ची तारीफ है अभी आप अपने आप को खुद अच्छे से समझते हो इसलिए आपको झूठी लग रही है मैं तो अपने दिल से तारीफ कर रहा हूं आ, आप उसको दिमाग से ले रहे हो अभी क्या करें हम हम दिल से तारीफ करें तो आप दिमाग से सोचोगे कि सर कर रहे हो सही है क्या गलत है क्या ये झूठी तारीफ है क्या मतलब हम तारीफ भी ना करें क्वेश्चन तो कल होंगे आप कल होंगे अभी सेलिब्रेशन अभी सेलिब्रेशन करेंगे <laughs> अरे नहीं सेलिब्रेशन करना है सच में करना है ऑनलाइन करना है आप देखो ना थ्रमनेल है ना हाँ चलो करते तो थैंक यू ऑल थैंक यू ये ये लिंक में बंद कर रहा हूं सेलिब्रेशन की लिंक स्टार्ट कर रहा हूं ओके तो ये लिंक में बंद कर दू और सब लोग बहुत सारे मैसेज करना वहां पे बर्थडे के ओके आ, दूसरा लिंक अभी स्टार्ट करता हूं अभी लाइव आएगा एक मिनट में स्टार्ट करें यस स्टार्ट करू यस आप लोग वहां पे आ जाना यहां पे रहना न्यू लिंक आ जाएगा आपको यस सो थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच बाकी कल आ, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अभी हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे Thank you, thank you, thank you.